सभी दोस्तों को नमस्कार। हैप्पी बर्थडे वालों को जी जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 4 मार्च और सामने का मौसम देखो, आज कोहरा फिर हाजिर है। हालांकि सूरज देवता झांक गए दिख रहे हैं थोड़े से। बाकी जी हमने जो वर्कआउट लगाया वो लगाया था ही आज मंडे में, फिर 2 हफ्तों से छुट रही तो वो निपटाई है ना। तो पता चला ऊपर से तो तगड़े हो गए, नीचे से हल्के रह गए, तो वो ठीक नहीं लगता। अब चल रहे हैं चेहरे कोहरे को चीरते हुए घर की तरफ को। कोहरा ठीक ठाक है, सुबह ही सुबह मजा ले रहे हैं ऊपर वाला भी। कोहरा बारिश इसकी कमी रह गई कोहरे की बस। बाकी जी सूरज देवता आज कुछ अलग ही दृश्य से दिखाई दे रहे हैं। देखो कोहरे में मौसम भी साफ है वैसे तो, खैर कोहरे कोहरे के अलावा। अब आगे जब कोहरा हटेगा जब पता चलेगा कुछ आ तो रहा रहा। तो भैया गलत रास्ते को आ गए भाई। अब जी से तो बंद कर लें फ़ोन को, ना तो यहीं कपड़े ख़राब हो जाएंगे हमारे। तो जब कुल मिलाकर रास्ते की स्थिति जो है ज़्यादा गंभीर है कुछ। मोटरसाइकिल भी रपट्टी आ रही है। असल में सुबह तो मैं आया डामर डामर, इसी शंका से। अब मैं उधर से जिम से आते हुए भूल गया, अभी भूल कितनी भारी पड़ेगी कपड़ों पर भगवान जानते हैं। अब मैं निकल जाऊँ उसके बाद दिखाता हूँ तुम्हें बच गया या गिर गया, क्योंकि एक साथ तो वीडियो बन नहीं सकती। अगर वीडियो बनाऊँगा तो बाकी मैं शॉप फीस दे गिरूँगा। तो ये निकल तो आए सही सलामत बिना गिरे। तो जिम से आने के बाद हनुक है, अब अपन चल रहे हैं नाश्ता करने के बाद खेत पे। वो जो देख क्या मैं एक गाड़ी का नोट छुलना तो वो छोले गया ना गया कोई। उसके बाद एक दावत जी दोपहर में भी है हमारी यही पास में ताऊजी वाले बैंकट हॉल में। जबकि जब दिखा तो जी पहुँच तो गए खेत पे, लेटा तो हमारा हो रहा है ऐसा। और ऊपर वाले का जी यहाँ तो कम रहम रह के ओले बोले ना पड़े हैं, ना तो ये सब बेकार हो जाती फसल लेटेगी। सहारनपुर साइड में हमारे सब्सक्राइबर हैं वो बता रहे हैं कि उधर तो बहुत ओला पड़ा, सब फसल बर्बाद होगी गेहूँ की सरसों की। अब जी बस ये कटवानी पड़ेगी 2-4 दिन में। फूल तो चला गया, सहरा गायब हो गया, अब फली है। कट के पड़ जाएगा तो 2 दिन में फिर सूख जाएगा। तो ये छोला तो अभी कोई प्रकट हुआ नहीं है, लेकिन अभी टाइम जल्दी है छोले के हिसाब से। तो भाई कल के ओले पड़े हैं, इन्हें ले जाएंगे दोपहर में दावत खाने के ले जाने के बाद। अब चल रहे हैं वापसी विद ऑन फुट। मैं दिखाता हूँ जी बारिश कितनी हो गई। ठीक ठाक रपड़ा हो गया अभी वो जी, ठीक ठाक गहराई में है अब तो। नमी अब जो जैसे सूखेगी ना कि सब रपड़ा हो जाएगा। वो तो रेतीला जंगल है तो इसमें इतना गील है, मतलब इसमें रपड़ा हो जाएगा तो बाकी तो कल हड़बड़ में तो बहुत हो जाएगा। तो जी टाइम हो रहा है आप 10 बजे का, पहुँच गया घर। अब अपनी बाइक से इस ताम झाम को ले चल रहे हैं। वो थोड़े गड्ढे और करके आने वो कर आऊँ और यूँ दे दूँगा उनका औजार भाई साहब का, बाद में फिर दावा सावत खाई आऊँगा। तो जी यहाँ से लेके सामने तक उस खेत के सिवाने तक करने हैं 5-6 गड्ढे, फिर इसका काम ख़त्म हो जाएगा। हम निपटा दूँगा इस काम को। तो ये गड्ढे का काम तो निपटा इसका यंत्र का, तो अब चल के ज़रा बरसीन और काट चला थोड़ी देर, फिर चलना है घर की तरफ को। तो ये बरसीन तो काट दिया, अब ऐसे भर के ले जाएंगे दावत के बाद। तो ये बज गए 12:30, पहुँच गए दावत स्थल पर, निपटा निपट के चलेंगे घर को। तो ये टाइम हो गया 1:30 बजे का, अपना ही वापसी अब। तो जी 1 घंटा आराम करने के बाद अब आप आना आ गए बरसीन लेने, पहले ये चढ़ा लें ले चलने है। तो जी ये काम भी भुगतनी कगार पे है, अब चलते हैं इसे लेकर ताम झाम को। तो जी शाम के बज रहे हैं 5:15 और मैं आ गया हूँ अभी से हिटलर को थोड़ा दौड़ाने मोटरसाइकिल से, क्योंकि पैदल तो दौड़ा नहीं जा सकता। अभी दौड़ा कर लाता हूँ जरा मैं थोड़ी दूर। चलो शाबाश।
तो जी शाम के बज गए 6, अब अपनी तैयारी हो गई बारात में चलने की। बाइक से चलते हैं पहले हमीनपुर मिस्टर प्रिंस बिश्नोई के यहाँ। जय हो आदेश बाबा जी की जी। बाकी हम चल रहे हैं जी जीटी रोड के माध्यम से मिस्टर प्रिंस बिश्नोई के यहाँ। अच्छा बारिश ना हुई है कल परसों, मतलब कल और आज ना, तो रपटे रपटे ना कल निकल के गए यहाँ से, तो गाड़ी दो को भाजम भाजी। तो ये एंट्री होगी मिस्टर बिश्नोई के मकान में। लौंडा अब करो। हेलो गाइस, जय श्री राम, जय महाकाल। आज क्या है अपना काम? दावत का है? ये क्या है परफ्यूम है? रूम क्लीनर? वो है, रूम फ्रेशनर गाड़ी में छिड़केंगे। अच्छा 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 अच्छा, ओके सर। उसे भंडपुरी तो फोन कर लो। अरे मिस्टर भंडपुरी आओ फटाफट यार। अरे तुम्हें यार हद, होमगार्ड बन गए, होमगार्ड की ड्यूटी ज्वाइन कर ले क्या? एनसीसी? अरे भाई सपरे, वाह जी वाह, खाकी वर्दी यार, सही है, जरूरत भी है कि जरा कोई रोकेगा तो कह देंगे। कैसी है भैया? भाई भैया कैसी है? बैठो बढ़िया। आ जाओ एक कप चाय। अरे चाय यार, चाय अभी तो मुश्किल से, दुबई की दावत तो बची ना हमसे तो। मैं भी निकाल का आया। तो जी मिल गई बारात भी हमें। अब क्या हाल है भाई साहब? बड़े नमस्कार जी। तो जी बारात चलने का मसला हो रहा है, एक सामने सामने जो है एक महिला ड्राइवर आ गई है सामने से, अपोजिट साइड से। गर्ल्स ड्राइवर है? हाँ हाँ, वो तो महिला ही है, लेडीज ही है, तो निकलने में दिक्कत आ रही है गाड़ियों को। भरपूर गाड़ी तुम निकाल लो ये अपने अपने। बाकी जी धीरे धीरे हम गंतव्य की तरफ को बढ़ रहे हैं मिस्टर प्रिंस बिश्नोई की ड्राइविंग के अंडर। अभी डर तो लग रहा है मिस्टर भंडपुरी? नहीं, गाड़ी तो खैर सही चला लगे, अभी पास कर दिया हमने नोंडे को हमने। ठीक है, अपने पापा को बता दिए बात। गाड़ी की परमिशन से मिल जाएगा। काइनों का मुर्गी फार्म है गाइस। अच्छा जो, अच्छा यार यहाँ बाजरा वाजरा मिल जाए। बाजरा 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 खवा में मुर्गी 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 की बीट चाहिए हो गाइस, तो संपर्क करें। तो जी पहुंच गए दावत स्थल में। आप फोन और अब हम निकल चले हैं घर की तरफ को। जयमाला का काम स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, बतेरी रात हो गई, हम भी पहुंचे घर। ये आज के ब्लॉग की करते हैं यही समाप्ति। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और आधा पौन घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे।